भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता बधेल ने केंद्र सरकार द्वारा 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन फ्री करने पर मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह विधायक कोष से लिए गए फंड व भामाशाह से लिए गए रुपयों से विकास कार्य करवाए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। विधायक अनिता बधेल आज कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर से विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 18 प्लस व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन फ्री कर दी गई है, लेकिन इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भामाशाह एवं विभिन्न संगठनों व विधायकों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में रुपए जमा कराने की मांग की गई थी। इसके बाद विधायकों द्वारा 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए दिए गए, लेकिन अब जब सरकार ने 18 प्लस वैक्सीनेशन को निःशुल्क कर दिया है तो ऐसे में विधायक कोष में जमा कराए रुपए से विकास कार्य कर आम जनता को राहत पहुँचानी चाहिए। अशोक गहलोत जी ने सामाजिक संगठनों से और बाकी सब लोगों से अपील की थी कि वो वैक्सीन के लिए पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं। उनके पास पैसा नहीं है। केंद्र सरकार ने फ्री भेजने के लिए पूरे देश में 18 प्लस के लोगों को फ्री भेजने के लिए वैक्सीन की घोषणा कर दी है और 21 जून से पूरे देश भर में ये फ्री भेजी जाएगी। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आपके आग्रह पर जो 3 करोड़ रुपये हमने वैक्सीनेशन के लिए दिए थे, क्योंकि अब केंद्र सरकार फ्री भेज रही है, आपको फ्री दे रही है, इसलिए आपको भी ये जो विधायकों का फंड है, विधायक निधि है, वो जनता के विकास के कार्यों के लिए वापस उनको लौटा देना चाहिए ताकि जनता के विकास के काम हो सके। इसलिए राज्य सरकार को ये ध्यान दिलाना चाहूँगी कि अब उनके पास फ्री में वैक्सीन आने वाली है। विकास कार्य नहीं हो रहे हैं आपका आरोप? विकास कार्य यदि विधायक कोष आप पूरा वैक्सीन में दे देते हैं, मेडिकल की सुविधाओं में दे देते हैं, तो विकास कार्य कैसे होंगे? ये विकास कार्य ठप हो जाएंगे। तो अब चूंकि वैक्सीन के लिए पैसा केंद्र सरकार दे रही है, वैक्सीन केंद्र सरकार दे रही है, इसलिए 3 करोड़ रुपए जो वैक्सीन के लिए विधायकों ने दिए वो वापस विधायक निधि में जमा होने चाहिए ताकि उससे विकास कार्य किया जा सके।